हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काटा बाजार। दोस्तों आज आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों किसी भाई साहब ने मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया था, उन्होंने बोला कि आप लोड सेल पे एक वीडियो बनाओ, लोड सेल कॉर्नर कैसे निकाला जाए। एक्चुअली क्या होता है कि कॉर्नरिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है जब आप मशीन रेडी करते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहाँ आती है लोगों को पता नहीं होता कि कॉर्नरिंग आता क्यों है, उसमें जो उसका आने का कारण क्या है, वो बार बार प्रॉब्लम क्यों आता है। क्योंकि लोड सेल जब बनाते हैं, लोड सेल जब भी कोई सेंसर बनाया जाता है तो उसका कॉर्नरिंग करके आता है लगभग, तो फिर भी कॉर्नर वापस से कैसे आने लगता है, तो और वो आता है तो उसको निकाला कैसे जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक्चुअली आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे विदाउट स्किप के तो ही आपको समझ में आएगा कि आपको ये लोड सेल के बारे में 100% की जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो आप अगर बीच बीच में इसको देखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि नॉर्मल 40 kg में जो आपका 20 किलो या 30 किलो के मशीन में लोड सेल आता है, वो एक होता है सिंपल कट साइज, ये छोटा साइज का लोड सेल आता है, बट कैपेसिटी 40 kg है, ये कट साइज है। उसी में का सेम ये फुल साइज है, इसको फुल साइज बोलते हैं, 40 kg का लोड सेल जो आपकी 30 किलो के मशीन में आता है, तो इस तरीके का लोड सेल आता है जो कि फुल साइज का होता है। फिर दूसरा एक आता है आपको जब आप छोटा 50 किलो या 100 किलो का मशीन परचेस करते हो, तो ये 3-hole डायमंड लोड सेल उसको बोलते हैं, ये 3-hole का रहता है, थोड़ा पतला रहेगा। एक्चुअली कैसा होता है कि जब कोई सस्ता मशीन परचेस करता है, नॉर्मल 50 किलो या 30 किलो 40 किलो वेट करने के लिए और एटलीस्ट 300 mm के प्लेटफॉर्म में यूज करना हो, तो ये लोड सेल यूज होता है। अब ये होता है 25x25 310 का लोड सेल, आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे इसको 25x25 लोड सेल बोलते हैं। फिर 25x25 में ये स्टील लोड सेल, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज होंगे कि इसको कैसे समझा जाए कि 25x25 क्या है, मतलब 25x25, बाकी इसका टेक्निकल नेम जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो आपको अगर नहीं समझ आए तो सिंपल सा है, आप इसको 25x25 SS लोड सेल समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको पता कैसे चलेगा कि 25x25 है या 25x35। जैसे ये 25x35 क्या SS लोड सेल है, 25x35 इसको क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसका टेक्निकल नेम जो है वो आपको 410 है, आपको टोटल अलग ही रहता है, वो मैं आपको बता दूंगा। फिर ये है 20x20 का लोड सेल, 20x20 बहुत रेयर होता है, बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर यूनिक के मशीन में लगा हुआ होता है, ये बहुत ही रेयरली मिलता है, आपको मिल गया तो जल्दी से मार्केट में भी अवेलेबल नहीं होता है। फिर ये होता है शेयर बीम लोड सेल, इस तरीके का लोड सेल होता है, ये शेयर बीम लोड सेल है, इसको शेयर बीम लोड सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शेयर में लगता है, एक साथ में 4 लोड सेल लगता है, जहाँ भी लगेगा वो 4 लगेगा, 6 लगेगा या 8 लोड सेल एक साथ में लगेगा। ये कैपेसिटी में आपको 300 किलो, 500 किलो, 750 किलो, 1 टन, 2 टन ऐसा आपको मिल जाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगा आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा। आप कोई भी स्पेयर पार्ट काटा बाजार से ऑर्डर कर सकते हैं, आप मंगा सकते हैं कोई भी स्पेयर पार्ट, लाइक मदरबोर्ड, ट्रांसफार्मर, मेंस कोड, फ्लैट केबल, डिस्प्ले, ऑन ऑफ स्विच, लोड सेल एक्सेट्रा, आपको जो भी चाहिए सारा कुछ आपको काटा बाजार में अवेलेबल। एक और रेयर लोड सेल दिखाता हूँ, ये है 1930 का लोड सेल, 1930 का लोड सेल, ये बहुत ही कम मिलता है, ज्यादातर सेट्रा की मशीन में मिलता है ये। अगर ये लोड सेल जल्दी से मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, बट आपको चाहिए रहेगा तो काटा बाजार में आपको मिल जाएगा, ये रेडी रहता है। अब मैं आपको छोटा सा सिंपल बात बताता हूँ कि आप इसको पता कैसे करोगे कि ये लोड सेल 100% कौन सा है। आप जैसे मशीन में देखते हो, मशीन में देखने के बाद लगता है कि 25x25 का लोड सेल है, क्योंकि सेम टू सेम साइज दिखेगा आपको लगभग, 25x25 और 1930, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये जो 25x25 है, ये आपको पता करने का सिंपल तरीका, आप इसको इसके साइज पे, इसके होल साइज पे पता कर सकते हैं कि आप ये कौन सा लोड सेल है। अभी जैसे ये 3 में इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल ये समझ आता है एक हट साइज लोड सेल है, 2 होल आएगा इसमें डबल होल का, इसमें भी डबल होल फुल साइज लोड सेल है, फिर ये 3 होल डायमंड लोड सेल है। अब ये यहाँ से शुरू होता है कि आपको पता कैसे चलेगा, तो मैं आपको सिंपल बताऊँ, आपके पास इस तरीके का पट्टी अगर होगा तो आप इससे उसको माप के बता सकते हैं। अभी देखिए, जैसे कि हम यहाँ ये होल से और ये होल के बीच की दूरी मापेंगे तो ये 25 mm है, और इस तरीके से अगर आप मापते हैं तो भी आपको ये 25 mm ही दिखेगा। तो ये 25 और 25 ऐसा स्क्वायर में ये 25 और 25 का होल साइज है, तो इसके होल साइज पे ही डिपेंड करता है ये कौन सा लोड सेल, तो इसको नॉर्मल 25x25 लोड सेल बोलते हैं। सेम आपको ये स्टील में मिल जाएगा, इसमें भी आप जब मापेंगे, आप होल के बीच में अगर आप रख के आप इस तरीके से माप के चेक करेंगे
तो आपको टोटल 25 mm दिखेगा, और इस तरीके से मापेंगे तो भी 25 mm दिखेगा, जो भी है एकदम सामने सामने। फिर इसी तरीके से आप इसको माप सकते हैं 25x35 के लोड से। अभी देखिए इस तरीके से अगर आप मापते हैं तो 35 mm है इसमें, इस तरीके से है, और 25 mm ऐसा है, मतलब 25 mm चौड़ा है और 35 mm लंबा है, तो 25x35 लोड सेल बोलते हैं। इस तरीके से आप इसको माप सकते हैं, ये 20 और 20 mm है, तो 20 mm पे इसका होल साइज है। इसको आप शेयर बीम आप इस तरीके से देख के पता कर सकते हैं कि ये शेयर बीम है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा साइज नहीं मिलेगा। इसमें दो आता है, एक 12 mm एक 16 mm, दो का आ गया। ये mm में मापा जाता है होल इसका कितना छोड़ा है। फिर आप इस तरीके से जैसा 19-30 का देखना है तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आया 30 mm और ये ऐसे में आएगा आपको 19 mm, 19 और 30। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो उन्हें जानना था कि इसका कॉर्नरिंग कैसे निकाला जाए, तो कॉर्नरिंग निकालने से पहले, इसका कॉर्नर निकालने से पहले आपको जो जानने की जरूरत है कि कॉर्नरिंग आता ही क्यों है, इसमें ये प्रॉब्लम बार बार रिटर्न में आता क्योंकि सर कॉर्नरिंग मतलब क्या होता है। जब आप एक ही मशीन पे, जैसे नॉर्मल छोटे मशीन में तो जल्दी से कॉर्नर आता नहीं है, बड़ी मशीन में क्या हो जाता है कि लोड सेल सिंगल होता है, बीच में लगा हुआ होता है और चारों कोना दूर होता है, जैसे 2 फीट बाई 2 फीट की मशीन में, या मतलब 400 बाई 400 में, या 500 बाई 500, या 2 फीट बाई 2 फीट, 2.5 बाई 2.5 में, या 3 बाई 3 में, नॉर्मल ज़्यादा कॉर्नर आपको यहीं पे आता है। तो ये मशीनों में कॉर्नर आने का मेन रीज़न होता है आपका एलेंकी। एक्चुअली आपको कॉर्नर निकालना तो कोई भी बता देगा, बट एक्चुअल कॉर्नर वो आता क्यों है उसका कारण मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जब आप एलेंकी यूज करते हो तो एलेंकी छोटा या बड़ा होता है, तो आप इसके बीच में जब स्पेसर रख के आप इसको टाइट करते हो तो कभी कभी इसके अंदर आप 2 mm या 3 mm या 4 mm जाता है। तो 4 mm जब ये क्या होता है, जब ये मशीन पे टेस्टिंग हो रहा होता है कि कॉर्नरिंग वगैरह इसका परफेक्ट है, तो इसमें क्या होता है एलेंकी फुल टाइट की जाती है। फुल लाइक कितना, अराउंड इसमें 8 से 10 mm अंदर जाता है एलेंकी। तो हम क्या करते हैं, हम जैसा कोई भी टेक्निकल देखते ही नहीं है कि इसके अंदर कितना, बस जा रहा है, लग जा रहा है, फिट हो रहा है, टाइट हो रहा है, बस इतना ही हम लोग ध्यान रखते हैं, बट उसके अंदर कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है वो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि मिनिमम 10 mm इसके अंदर जाए, क्योंकि कम ज़्यादा रहेगा तो फिर आपको कॉर्नर का प्रॉब्लम आना ही है, वो आता ही है। अगर आप स्पेशल इसमें जाड़ा या पतला रखते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, और ज़्यादातर जो आप स्पेशल यूज करते हो तो मेटल का यूज करो। आजकल क्या हो रहा है कि सबसे सस्ते के लिए, कि भाई मशीन और थोड़ी सस्ती बनाई जाए, इसके चक्कर में क्या होता है कि प्लास्टिक का स्पेशल यूज हो रहा है। प्लास्टिक का स्पेशल जब आप फुल टाइट करने जाते हैं तो वो टूट जाता है, या तो फिर उसमें प्रॉब्लम आता है, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा कॉर्नर का प्रॉब्लम आता है। प्लस इसके वायर गेज पे भी डिपेंड करता है कि अगर अच्छे गेज का वायर नहीं होगा तो भी आपको कॉर्नरिंग का प्रॉब्लम आने वाला है, कॉर्नर का, रनिंग का, फ्लिकर का, ये प्रॉब्लम वायर की वजह से। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अगर ज़्यादा कॉर्नरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, चारों कोने पे बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसकी एलेंकी चेंज कर दो, फुल साइज की एलेंकी लगाओ, अंदर तक टाइट करो परफेक्टली, फिर आपका कॉर्नरिंग का प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो नहीं सॉल्व होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें क्या करोगे तो आपका कॉर्नरिंग का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, जब आप बड़े लेवल पे काम करते हो तो कॉर्नरिंग के लिए आपको एक कॉर्नरिंग घसने के लिए एक इस तरीके का मशीन रखना होता है। ये मशीन जब आप परचेस करोगे तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा, इसको छोटा कैलेंडर बोलते हैं, ऐसा हाथ में लेके पेंसिल की तरह चलता है। इसमें के छोटे छोटे आपको टूल्स मिल जाते हैं और उसको आपको इस तरीके से आप इसका कॉर्नरिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए इस तरीके का ये छोटा छोटा आपको टूल मिल जाएगा, आपको इसके अंदर इसको इंस्टॉल करके आप इसको यहाँ से पकड़ के आपको इसको टाइट करना है। आपको इस तरीके से इसका इस्तेमाल इस तरीके से लगा के आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसमें जो घसना है, जैसे इसका जो कॉर्नर घसना है आपको, तो घसना क्या है आपको ये भी तो जानना होगा कि आपको इसमें घसना क्या है, क्योंकि अगर घसने गए और पता ही नहीं है कि घसना किधर है और कैसे घसना। तो देखिए हर एक लोड सेल में जो आपको नॉर्मल इस तरीके का लोड सेल दिख रहा है, इसमें आपको होल दिख रहा होगा, ये देखिए इस तरीके का जो होल दिख रहा है, यही होल के अंदर घसते हैं, घसेंगे
जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा पहले से घसा हुआ रहेगा आप यहाँ पे, तो आपको सिंपल करना क्या है कि जिस तरफ से ये जैसे आप यहाँ चारों कोने पे वेट रख रहे हैं, जिस तरफ ये कम दिखा रहा है, जहाँ पे जैसे कि लाइक आपने 20 किलो का वेट रखा है तो 19 किलो 900 ग्राम दिखा रहा है, दूसरी तरफ 20 किलो दिखा रहा है, तीसरी तरफ आपको 20 किलो 50 ग्राम दिख रहा है, तो जिस तरफ आपको कम दिख रहा है ये लोड सेल पे, जिस तरफ आपको कम दिख रहा है आपको उसी तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा घस देना है नीचे की तरफ। आप यहाँ पे इसको घसेंगे, ये ग्राइंडर है इस एक छोटा सा, इसको पेंसिल की तरह चलता है ये, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं यहाँ पे, इसे आपको इस तरीके से इसकी स्पीड आप मैनेज कर सकते हैं कि आपको इसको स्लो चलाना है या फास्ट चलाना है, तो आपको इस तरीके से ये घसने का ऑप्शन मिल जाता है। आप जब इसको इस तरीके से इसमें लगा के आप घसते हैं जैसे ऐसा, तो आपको इस तरीके से ये आपका कॉर्नरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, इस तरीके से आपको घसना होता है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको इसको हाथ में लेके तो घसना नहीं है, आपको इसको हाथ में लेके घसना नहीं है तो पता भी नहीं चलेगा कि कॉर्नर किधर है और कैसा है, तो ये मशीन में ही लगा हुआ रहेगा तो आपको पता चलेगा कि आप इसको कैसे घस सकते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी एक ही लोड सेल घसना है आपको, तो आप इतना महंगा इसको ग्राइंडर क्यों खरीदोगे, क्यों परचेस करना है, तो मैं आपको सिंपल एक और तरीका बताता हूँ जिससे हम लोग काम करते हैं। आप इस तरीके का एक कानस खरीद सकते हैं, कानस इसको फाइल बोलते हैं, फाइल या कानस आपके यहाँ पे जो भी बोलते हो, ये घसने के लिए होता है। तो इससे कैसा है कि इससे भी आप इसको इजीली इसके अंदर डाल के आप घस सकते हैं हैंड से, हाथ से ही, आपको मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे घस सकते हैं। तो इसका कॉर्नरिंग घसने का तरीका अगर मैं ऐसा आपको बताऊं तो आपको समझ आएगा, बट समझने के बावजूद अगर आपने इसका उल्टा किया, लाइक जिस तरफ कम हो रहा है आपको लगेगा कि मतलब इधर ना घस के जिस तरफ ज़्यादा हो रहा है उस तरफ घसना चाहिए क्योंकि उधर से कम करना है, तो प्रॉब्लम कम होने की जगह पे ये डबल हो जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जैसे 100 ग्राम का कॉर्नर आ रहा था वहाँ पे 200 ग्राम या 300 ग्राम का कॉर्नर आने लगेगा, तो आपको लगेगा यार मैंने बताया नहीं, आपको मिस गाइड किया। तो मैं सिंपल सा मेरे हिसाब से मैं आपको एक लाइव उसका करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक छोटे से मशीन पे, क्योंकि बड़ा मशीन अगर मैं यहाँ पे रख के आपको कॉर्नरिंग करके दिखाने जाऊंगा तो टाइम भी बहुत जाएगा और फिर ओपन करना और वो करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं इसे बेटर है मैं आपको एक छोटी मशीन पे इसका लाइव डेमो देता हूँ कि आप इसका कॉर्नरिंग कैसे निकाल सकते हैं घस के। आप एक सिंपल से कानस से आप इससे पतला भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात इसका अगर लोड सेल आपको स्टील का लोड सेल हो वो घसना है तो आपको इससे घसना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये मैग्नेट 410 का मटेरियल होता है, ये घसने में बहुत ही हार्ड होता है, तो जल्दी से घसाता नहीं, आप घस घस के आपका हाथ दुख जाएगा, तो उसके लिए आपको मशीन होगा तो बेटर तरीके से आप जल्दी और फास्ट तरीके से घस के उसका रेडी कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्नरिंग घसने के लिए। अब कभी कभी जैसे क्या होता है कि अभी ये शेयर बीम लोड सेल कहाँ पर यूज होता है, जैसे 1 मीटर बाय 1 मीटर का मशीन हो गया, या लाइक 1000 mm का मशीन है, 1200 mm by 1200 mm का मशीन है, या 1200 by 1500 या उससे बड़ा मशीन, जैसे 1 टन 2 टन या 5 टन या 10 टन का मशीन है आपका, तो उसमें आपको शेयर बीम लोड सेल आएगा। शेयर बीम लोड सेल में सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको होल ही नहीं दिया है कि आप इसका घस के कॉर्नर कंप्लीट करोगे, तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसकी जगह पे एक सिंपल सा इसमें एक जंक्शन बॉक्स आपको दिखेगा, एक जंक्शन बॉक्स मिलेगा, जंक्शन बॉक्स में आपको ट्रिमपोर्ट होता है और ट्रिमपोर्ट घुमा घुमा के आप उसको उसका कॉर्नरिंग निकाल सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको जानना रहेगा उसके बारे में तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट में उसका वीडियो बना दूंगा। तो इस पे मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं दोस्तों, जब तक आप लाइव एक बार देखोगे नहीं तब तक आई थिंक आपको समझ आएगा नहीं, तो मैं इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए और जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और भी किसी पार्ट के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में आप बताएंगे कि आपको पर्टिकुलर कौन से बेस पे वीडियो चाहिए, मदरबोर्ड पे चाहिए, ट्रांसफार्मर, मेन्स कॉर्ड, फ्लैट केबल, डिस्प्ले, या आपको मल्टीमीटर यूज करना जानना है, जो भी आपको जानना हो, जो भी आपको सीखना हो, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको नेक्स्ट टाइम उससे भी बेटर वीडियो बना के दूंगा। और चलिए दोस्तों मैं इसको आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि आप इसको किस तरीके से कॉर्नरिंग निकाल सकते हैं लोड सेल में से। तो ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक छोटे से मशीन पे कॉर्नर का प्रॉब्लम और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, इसकी वजह से मैंने ये देखिए बता दिया है। ये कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3 और कॉर्नर नंबर 4।
और इसमें हमने 5 kg का वेट रखा है, 5 kg का। एक्चुअली इसे बड़ा वेट रखेंगे तो कांच टूट जाएगा, इसकी वजह से छोटे मशीन पे दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको 5 kg का ही रख के दिखा रहा हूँ। एक्चुअली कॉर्नर कभी भी चेक करने के लिए मिनिमम 20 kg का वेट आप यूज करिए कभी भी। तो दोस्तों मैं आपको इसको पहला दिखा देता हूँ कि कॉर्नर का प्रॉब्लम कैसे होता है, उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके दोस्त, तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम इसका चेक करते हैं कॉर्नर, कॉर्नर नंबर 1 5 kg 5 kg 10 ग्राम, कॉर्नर नंबर 2 5 kg 30 ग्राम, अभी हम देखेंगे कॉर्नर नंबर 4 5 kg 10 ग्राम, और अभी हम देख रहे हैं 4 kg 980 ग्राम। यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। अब आपको घसना कहाँ पे है, सबसे सिंपल सी बात, जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है उसके ठीक सामने आपको कम होगा, इससे में आपको कम होगा। और अब आपको यहाँ पे ज़्यादा साइड पे नहीं घसना है, इस तरफ अगर आप घसोगे तो ये जो ज़्यादा हो रहा था वो बढ़ जाएगा। अभी आपको घसना कहाँ पे, इस साइड पे। तो इस साइड पे सिंपल सा आप मशीन को घुमा लीजिए अपनी तरफ और देखिए कि उसके नीचे कौन सा होल पड़ रहा है। होल लाइक मैं आपको बताऊं तो यहाँ से आपको ये मशीन को इस तरीके से उठाना है और यहाँ पे देखना है, वो देखिए आपको लोड सेल दिख रहा होगा, वो लोड सेल। अब आपको वो इसके इस कॉर्नर पे घसना है। अभी मैं आपको कॉर्नर दिखाने के लिए मैं आपको सिंपल सा इसका ओपन कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए इस तरीके से आपको ये साइड पे कम पड़ रहा था 20 ग्राम। तो 20 ग्राम के लिए आपको ज़्यादा नहीं घसना है, एकदम सिंपल सा आप ये फाइल लीजिए, यहाँ पे लगाइए इस तरीके से। अब अगर फाइल बड़ा होगा तो आपको इसको सिंपल से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि आप उसमें कैसे डाल सकते हैं, और इसमें से आपको 20 ग्राम कम करना है। तो 20 ग्राम कम करने के लिए एकदम थोड़ा सा ही आपको इस तरीके से घसना है, इस तरीके से आप घसेंगे इसको थोड़ा सा तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे थे कि हमने वहाँ पे थोड़ा सा उसको घस दिया है, मैं अभी वापस से इसको ट्राई करता हूँ कि हमारा कॉर्नर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। आपको इस कोने पे अभी भी 30 ग्राम का है और यहाँ पे आपको 10 ग्राम का, और यहाँ पे आपको 10 ग्राम कम हुआ, मतलब वहाँ पे 980 था अभी 990 हुआ, तो यहाँ पे हमको 10 ग्राम और इसको घसना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 ग्राम और घसेंगे, अब आपका फिर से हम ट्राई करेंगे। इस कोने पे आ गया 5 kg, यहाँ पे आ गया आपको 5 kg 20 ग्राम, यहाँ पे आया 5 kg 20 ग्राम, और यहाँ पे आपको आ गया 5 kg 30 ग्राम। अब यहाँ पे आना चाहिए कितना, 5 kg 10 ग्राम अराउंड, तब जाके पूरे पे बराबर आएगा। अब यहाँ पे 10 ग्राम और कम है तो थोड़ा सा आपको और घसना पड़ेगा, इसको आप थोड़ा सा और घस सकते हैं। इसका एक्चुअली गैप कम है तो इसकी वजह से घसने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट अभी आप उसको देख सकते हैं, ये हो गया 5 kg, यहाँ पे हो गया 5 kg 10 ग्राम, यहाँ पे 30 ग्राम, यहाँ पे 20 ग्राम। अभी आपको एक बार सिंपल इसको यहाँ पे 20 ग्राम हो रहा है तो इसको एक बार आप कैलिब्रेट कर दो, कैलिब्रेशन करते ही आपको वापस से लगभग ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कैलिब्रेशन करने के लिए हम इसको कैलिब्रेशन मोड में ले जाते हैं, कैल 0 लोड 5 kg,
हो गया 5 kg। अभी आप इसको देख सकते 5 kg। फिर आपको तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका 5 kg जो हमने यहाँ पर लिखा रख के, ये हो गया 5 kg, ये हो गया 5 kg, यहाँ पे हो गया 5 kg, यहाँ पे भी हो गया 5 kg। अभी आप इसका ट्रे रख के भी चेक कर सकते हैं कि आपको आपका कॉर्नर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। वापस से देख सकते हैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, आप इसको एक बार फिर से चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैंने इसको 0 कर दिया। अब ये हमने रखा 5 kg, 5 kg, ये रहा कॉर्नर नंबर 1, ये रहा आपका कॉर्नर नंबर 2, ये रहा आपका कॉर्नर नंबर 3 और ये रहा कॉर्नर नंबर 4 और ये रहा आपका बीच में एकदम एक्यूरेट। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए आप कांटा बाजार के चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। बस दोस्तों आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।